नमस्कार, मैं हूं फिजा काजमी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सऊदी अरब वो देश है जहां अगर कानूनों की बात की जाए तो अपराध में किसी को नहीं बख्शा जाता, चाहे वो किसी भी मुल्क का निवासी क्यों ना हो। बेशक भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में कई सुधार हुए हो, लेकिन जब बात अपराध की हो तो वहां पर सबके लिए समान कानून है। लेकिन क्या हुआ ऐसा जब भारत के दो नागरिकों के सऊदी में सरकलम कर दिए गए और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक नहीं भेजा गया। अब हम आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला था क्या, जिसमें दोनों भारतीयों को सरकलम करने जैसी इतनी कठोर सजा दी गई। 2013 में वर्क परमिट पर सऊदी अरब गए भारत के दो नागरिक हरजीत और सतविंदर काम की तलाश में वहां गए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात इमामुद्दीन से हुई, जिसके बाद तीनों ने लूटमार करना शुरू कर दिया। लूट के पैसों में बंटवारे को लेकर तीनों में विवाद हुआ, जिसमें इमामुद्दीन की मौत हो गई। इसके बाद दोनों शराब पीकर हुड़दंग मचाने के मामले में पकड़े गए। सऊदी सरकार ने उन्हें भारत भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि इमामुद्दीन की हत्या के दोनों मुख्य ही आरोपी हैं। सतविंदर और हरजीत ही इमामुद्दीन की हत्या की बात भी कबूल ली, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि सुनवाई के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्रालय के मुताबिक सऊदी कोर्ट में सिर्फ हाईवे पर लूटपाट के आरोप को रखा गया था, इसमें हत्या जैसी कोई भी बात नहीं की गई थी। मंत्रालय ने हत्या की बात तब मानी जब सतविंदर की पत्नी सीमा ने एक पत्र लिखकर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय अधिकारी सऊदी कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन भारतीय दूतावास को दोनों को मिली फांसी की जानकारी नहीं दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने दोनों के पार्थिव शरीर भी भारत को देने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब से शवों को भारत लाने की बात भी कही, लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि सऊदी के नियम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। अरब देशों का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब कठोर कानूनों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाला ये देश यहाँ के कानून को सख्ती से मानता है। जिस तरह चोरी करने के अपराध में यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं, वैसे ही बड़े अपराधों के लिए यहाँ बड़ी सजा है। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।